वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का थर्ड चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स के दो प्रॉब्लम बच गए थे, वो आपको 10 मार्क्स में पूछेगा। इसलिए 10 मार्क्स में पूछेगा, आपके 10 मार्क्स कटेंगे बोल के मैं वीडियो ये ला दिया हूँ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का थर्ड चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, उसमें हमें इस वीडियो में क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है गुडविल, फाइंड आउट करना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल यानी कंपनी का ब्रांड, कंपनी की वैल्यू को हम गुडविल कहेंगे। सो गुडविल भी कैलकुलेट होता है कंपनी में। सो गुडविल भी वैल्यूएशन किया जाता है, उसका भी कुछ अमाउंट रहता है, वो भी फाइंड आउट करना रहता है कि कितना हमारा इस साल का गुडविल बढ़ा, कितना हमारा ब्रांड वैल्यू बढ़ा। सो वो कैलकुलेशन करना होता है। सो उसके कुछ मेथड्स थे, चार मेथड्स है आपके सिलेबस में। फर्स्ट मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो आपको हो गया 5 मार्क्स में 10 मार्क्स में, दोनों बता दिए मैंने। और वेटेड एवरेज मेथड के भी 5 मार्क्स में और 10 मार्क्स में बता दिए हैं। ये थर्ड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसका 5 मार्क्स का हो गया था। ये 10 मार्क्स का मेथड है, 10 मार्क्स में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। और नेक्स्ट मेरा आएगा एन्युइटी मेथड, या सारे एक ही वीडियो में कराऊंगा और ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। सो पहले मैं आपको इस वीडियो में पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाऊंगा, उसके बाद हम आंसर करेंगे, और लास्ट में आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, वो आप प्रैक्टिस कीजिए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल टेकिंग 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कहते हैं नीचे उस इन्फॉर्मेशन को लेते हुए गुडविल फाइंड आउट करो बोल रहा है। कितने ईयर्स का? 4 ईयर्स का गुडविल फाइंड आउट करो बोल रहा है। कौन सा मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से। नीचे इन्फॉर्मेशन है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 1 लाख, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है 40,000, एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख, यानी एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 1 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है, वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स 10,000 दिया गया है। इंटेंजिबल असेट्स का वैल्यू 10,000 दिया गया है। सो दोस्तों अब आपके माइंड में आ रहा होगा, हमें तो सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो हमें इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट में आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया है, तो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए ये सब फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप अब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो चलिए हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे, बहुत ही ईजी मेथड में आपको समझाऊंगा। सो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हमारा आंसर हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें मेन क्या फाइंड आउट करना है? हमें मेन फाइंड आउट करना है गुडविल, गुडविल निकालना है। सो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? ये ऊपर का आप दोनों छोड़ दीजिए, डायरेक्ट थर्ड पे आइए। फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है गुडविल। गुडविल के लिए फॉर्मूला क्या है? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। सो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। क्या हमारे क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट दिया गया है? जी नहीं, हमारे क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट नहीं दिया गया है, वो हमें कैलकुलेट करना है। क्या हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेस दिया गया है? हाँ जी दिया गया है, आपका क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा लेफ्ट में। सो क्या नंबर ऑफ ईयर्स परचेस दिया गया है? हाँ दिया गया है, आपको दिया गया है कि कितना ईयर्स का फाइंड आउट करना है गुडविल, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा 4 ईयर्स का गुडविल फाइंड आउट करना है। सो 4 ईयर्स का ये मल्टीप्लाइड एज इट इज लिख लेते हैं, 4 ईयर्स का आपको गुडविल फाइंड आउट करना है। क्या आपको सुपर प्रॉफिट दिया गया है? आपको सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखिए, अब आइए इस क्वेश्चन के ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर। यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है? कंप्यूटेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला है एसपी इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आपको एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है? क्या आपको एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है? हाँ दिया गया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिडक्शन, यानी टैक्स के बाद आपका एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, 1 लाख दिया गया है, ये आपका एवरेज प्रॉफिट है। सो 1 लाख लिख लेते हैं, ये 1 लाख क्या है आपका? ये 1 लाख है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस एज इट इज। क्या नॉर्मल प्रॉफिट दिया गया है? नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया गया है। क्या आपके क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट है? जी नहीं, हमारे क्वेश्चन में तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया गया है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास और एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने का, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया गया है, मल्टीप्लाइड बाय रेट दिया गया है।
रेट हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, 12% रेट दिया गया है। सो 12% रेट दिया गया है, 12 या 100 एज इट इज। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया गया है, ये हमें फाइंड आउट करना है, समझ गए। सारा हमारा लक्का पिट्टा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर ही, क्योंकि अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया तो हमें हमारा नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल जाएगा। अगर नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकल गया तो हमारा गुडविल निकल जाएगा। सो मेन हमें क्या निकालना है, हमें मेन निकालना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सो चलिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें फाइंड आउट करना है। सो अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करेंगे तो हमारा सारा फॉर्मूलेस हमारे एप्लीकेबल हो जाएंगे, सारे फॉर्मूलेस हम कर पाएंगे। सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ। आप मेरे लेफ्ट में आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, फर्स्ट हमें लेना है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 4 लाख है। सो लिख लेता हूँ, सो इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से मैंने लिख लिए। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख, वो भी लिख लेता हूं। यहां तक क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी ऐड होंगे, सो वो भी लिख लेते हैं। ये टोटल करेंगे तो, टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 7 लाख हमें मिलेगा। यहां तक आई होप क्लियर होगा दोस्तों। सो नेक्स्ट देख, लॉस ऑन रिवैल्युएशन ऑफ एसेट्स। लॉस ऑन रिवैल्युएशन एसेट्स यानी एसेट्स को रिवैल्युएशन करते टाइम हमें लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा, हमें लॉस हो रहा है 40,000 का। सो ये लेस होगा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ माइनस होगा। हाँ, आपको इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू दिया गया है, वैल्यू कितना है 10,000 है, वो भी माइनस होगा। सो जो भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू दिया जाएगा वो भी माइनस होगा। सेम तरह का क्वेश्चन आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ये फर्स्ट ये सेकेंड। ये दोनों टोटल करें तो कितना होगा, ये दोनों टोटल करेंगे तो 50,000 होगा, 50,000 होगा, ये 50,000 माइनस होगा। जैसे ये माइनस लेने का था तो ये माइनस होगा, सो माइनस करो तो कितना आंसर आया, 6,50,000 हमारा आंसर आया दोस्तों। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उसके बाद लास्ट है हमारा, हमें लास्ट लेना होता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेना होता है, मैं पहले लिख लेता हूं लेस, ये भी लेस होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जो आपका इस साल का एवरेज एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट का हाफ लीजिए। सो एवरेज प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, सो 1 लाख का हाफ लीजिए। एवरेज प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, 1 लाख है, 1 लाख का हाफ लीजिए। हाफ लिए तो कितना होगा, 50,000 होगा। ये 50,000 क्या है, ये 50,000 माइनस होगा, माइनस करें तो कितना आ गया, 6 लाख आ गया। ये 6 लाख क्या है हमारा, 6 लाख है हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। 6 लाख क्या है हमारा, 6 लाख हमारा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने यहाँ पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर लिया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलिए दोस्तों, हमारे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं और हमारा फटाक से आंसर कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारे फॉर्मूले की तरफ हम रिटर्न आ गए, हमने फाइंड आउट कर लिया हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आया 6 लाख, सो 6 लाख हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आया। तो हमारा फॉर्मूला का डिमांड क्या था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। तो इसको रेट हमारा क्वेश्चन में था 12 डिवाइडेड बाय 100, जब भी हमने कर लिया था तो 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12% करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा हमें 72,000। ये 72,000 क्या है हमारा, ये 72,000 है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। 72,000 क्या है हमारा, ये 72,000 है हमारा
नॉर्मल प्रॉफिट। आई होप दोस्तों यहां तक समझने आ गया होगा। अब ये 72,000, अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट कहां चाहिए, हमें फाइंड आउट करना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया गया था 1 लाख, हमने लिख लिया। अब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट 72,000 है, 72,000 लिख लीजिए। सो 1 लाख माइनस 72,000 इक्वल्स टू 28,000। ये 28,000 क्या है, ये 28,000 है हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मिल गया हमें, सुपर प्रॉफिट। आई होप दोस्तों यहां तक समझ जाएगा, यहां हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, यहां हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अब हमें फॉर्मूला, जो हमारा मेन फॉर्मूला था गुडविल फाइंड आउट करने का, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो सुपर प्रॉफिट 28,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सो इसका अगर हम आंसर देखेंगे तो 1,12,000 ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये आंसर समझने आ गया होगा। ये हमारा था सुपर प्रॉफिट का प्रॉब्लम। मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और एन्युटी मेथड, सारे मेथड हम एक ही प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे। वो आपको क्वेश्चन पूछेगा, सो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम वो करेंगे और एक थ्योरी है 5 मार्क्स का, वो एक कर लेंगे, हमारा इस चैप्टर फिनिश कर देंगे। अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात बतानी थी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के मेरे वीडियो सारे चैनल में पड़े हैं, जिसके प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और थैंक यू सो मच दोस्तों।